दरअसल हमसे मिलने आए थे हमारे खेमे में। आपसे मिलने? जी हाँ, कल दिन में इन्होंने हमसे कहा था कि इनकी पत्नी मधुरा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो इन्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी हमसे चाहिए थी जो हमारे खेमे में रखी थी। तो हमने इनसे कहा कि अपना सारा कामकाज खत्म करके हमारे खेमे में आकर वो जड़ी बूटी लेकर जाए। मगर ये तो कौशल्या जी से भी कह सकता था ना? हाँ, कौशल्या जी के खेमे में गए थे, परंतु उस समय वो सो रही थी, इसलिए हमारे खेमे में आ गए थे। हाँ, मथुरा के पेट में बहुत दर्द था, उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं। ठीक है सुरजन, इस बार तो हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं, मगर हमारे भी कुछ नियम हैं। पुरुष महिलाओं के इलाके में नहीं जा सकते, आइंदा यह नियम भूल मत जाना। जी समझ गए, आइंदा इस तरह का अपराध नहीं होगा। हमें क्षमा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। अचानक हमें इतनी गर्मी क्यों लग रही है? रोशनी कैसे? ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? क्या है ये अजूबा? क्या है ये चीज? यह हवा इतनी तेज क्यों चल रही? क्या हलचल हो रही है? हलचल तेरे अंदर है जलाल, और जब तक तेरे अंदर की हलचल नहीं थमेगी तो बाहर शांति महसूस नहीं होगी। जब तुम्हारे अंदर का तूफान खत्म होगा तभी बाहर का तूफान जाएगा। मकसद के लिए चुना गया था और तूने अपना मकसद ही भुला दिया। अकबर का नाम दिया गया था तुम्हें ताकि धरती पर फरिश्ता बनकर लोगों की मदद कर सके, उन्हें मोहब्बत का पैगाम दे सके, लेकिन क्या किया तुमने? फरिश्तों की हाय ले बैठा। कौन हो तुम? हमें नजर क्यों नहीं आ रहे हो तुम? ये पूरा अनाज बांट दो इनमें। जी। क्या हो रहा है यहाँ पर जलाल? इतनी भीड़ क्यों जमा है? आइए देखते हैं। नमस्ते राधा जी। नमस्कार जगदेव जी।
सुना है लोगों ने आपको अपना मुखिया चुन लिया है। अच्छा किया, आपसे अधिक इन लोगों का कोई और भला सोच भी नहीं सकता। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें कैसा बड़प्पन, ये तो सारे हमारे अपने लोग हैं। सुरजन जी, यही है जगदेव जी जिनके विषय में हमने आपको बताया था, यही है जो यहाँ पर लोगों को अनाज भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत उपकार आपका। पर जगदेव जी, ये तो सिर्फ 3-4 बोरी अनाज है, एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा ये। अब क्या बताऊं आपको कौशल्या जी, हमारे शहनशाह को तो हमारी समस्याओं के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं। मैं गया था उनके कारिंदों के पास अपने अनाज का हिस्सा लेने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अभी अनाज की बोरियां मैं अपने घर से लेकर आया। देखती हूँ सबको बराबर बढ़ जाए। हाँ देख लिया, ऐसा है हमारा शहनशाह, खुद को जिल्ले इलाही कहते हैं, ईश्वर की परछाई। और जरा अकाल की धूप क्या पड़ गई, परछाई गुम हो गई। ऐसा गैर जिम्मेदार शहनशाह इस सल्तनत में ना हो। ये सब हो कह रहा है, हमने तो अनाज भिजवाया था, तुम्हें यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? ये तो नहीं पता, पर तो सच में यहाँ पर अनाज की बहुत कमी है। कौन है जो हमारी और सल्तनत की रसवाई कर रहा है? जो अनाज हमने महीनों पहले अवाम के लिए यहाँ भिजवाया था, अब तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? यहाँ आप चक्कर लगाते रहते हैं सेठ जी? हाँ, 2 महीने बाद आया हूँ, वरना अपने लोगों की फिक्र तो होती। पर मुझे तो कोई और ही कारण लगता है, आप राधा जी को पसंद करते हैं ना, उन्हीं के लिए यहाँ आते हैं। दिमाग ठिकाने है क्या नहीं तुम्हारा? राधा जैसी पवित्र औरत को बदनाम कर रहे हो? चुपचाप अपना काम करो, जाओ मेरा घोड़ा लेकर आओ। हमारे शहनशाह को तो हमारी समस्याओं के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं गया था उनके कारिंदों के पास अपने अनाज का हिस्सा लेने, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। खुद को जिल्ले इलाही कहते हैं, ईश्वर की परछाई। और जरा अकाल की धूप क्या पड़ गई, परछाई गुम हो गई। अरे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अब जानती हैं ना, अगर किसी को हमारी इसलिए पता चलेगी तो क्या हो सकता है? अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अभी कह रहे हैं यहाँ से चले जाइए, आगरा लौट जाइए, यहाँ पर लोग आपसे बहुत घृणा करते हैं। यदि किसी को भी पता चल गया कि आप ही शहंशाह हैं, तो ना जाने क्या हो जाएगा। अगर हमसे आपकी ऐसी हालत देखते भी नहीं बनती शहंशाह, चले जाइए आप यहाँ से। नहीं, हमारे समीप रहने की इतनी जिद क्यों? बेशक हम यहाँ आपसे मिलने आए थे जोधा बेगम, लेकिन अब आपकी तरह हमें भी यहाँ रहने की कोशिश मिल गई है। हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार हमें बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है? जब हमारी तरफ से अनाज भिजवाया गया है, तो उसे बीच में रोककर हमें मुजरिम साबित कौन कर रहा है? कौन इन बेचारे गांव वालों को भूखा मार रहा है? इस तरह क्यों देख रहे हैं आप हमें? यदि हालात बदल जाए, फितरत बदल जाए, तो अस्तित्व की नींव हिल जाती है। पर आज हम देख रहे हैं तो नींव फिर से मजबूत हो रही है। नींव तो मुगल सल्तनत की मजबूत हो गई। जरा सोचिए जोधा बेगम, आगरा के हर जरूरतमंद इलाके में हमारी तरफ से अनाज भिजवाया गया है, और जब वहाँ पहुँचा है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? और हो सकता है कि इस जगह की तरह और भी बहुत सारे इलाके होंगे जहाँ जरूरतमंदों के लिए अनाज नहीं पहुँचा है। हो सकता है कोई शाही सेवक या अधिकारी इसमें सम्मिलित हो। जाहिर सी बात है, बिना किसी के मिली भगत के ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि हम उस मुजरिम को ढूंढ कर रहेंगे। और तो भला हो जगदेव जैसे सेठ जी का, कम से कम वो बचाए तो अपना फर्ज निभा ले। लेकिन वो जो भी हो, उस मुजरिम को तो हम ढूंढ कर रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।